Hey guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you are fine and doing well. So today's video is going to be very exciting because I am going to tell you about my skincare journey. और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रेगुलर बेसिस पर मेरी क्या जो है वो स्किन केयर है बेसिक्स ही जो कि मैं यूज़ करती हूँ और जो कि मैं फॉलो करती हूँ और आप इसको फॉलो करके पिंपल फ्री स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं. मैंने जो है वो सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी करा. अपनी डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स नट्स डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ वेजिटेबल्स वगैरह शामिल करी जिनकी वजह से ताकि मुझे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें विटामिंस वगैरह मिल सकें ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छी हो सके. और मैं वैसे भी मतलब अंदर से चूँकि जब हम कुछ अच्छा देंगे अपनी बॉडी को तो ही वो आउटपुट जो हमें अच्छा देगी. तो सबसे पहली बात ये कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड पर रिलाई करते होंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जंक फूड को कट ऑफ करें जिस हद तक हो सकता है. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं खाती. मैं भी कभी कभी खाती हूँ. मैं पहले बहुत कम पानी पीती थी लेकिन मैंने ग्रेजुअली अपना वाटर इनटेक जो है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर और फिर 2 लीटर और अब मेरे ख्याल में 2.5 लीटर तक भी चला जाता होगा, यानी कि 2.5 लीटर और 2 लीटर आपने पीने ही पीने हैं. तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी करोगे और वाटर इनटेक अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आपको आउटकम खुद ही नज़र आ जाएगा. चली गई डॉक्टर के डर्मेटोलॉजिस्ट के और फिर उन्होंने मुझे जो एक मेडिसिन दी क्योंकि मेरी एक्नी जो थी वो बड़ी माइल्ड सी हार्मोनल एक्नी थी, तो उन्होंने कहा कोई मसले की बात नहीं आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी. तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी जो कि मुझे 2 मंथ तक खानी थी और उन्होंने मुझे एक क्लासिन टी का जो है वो सोल्यूशन दिया था जो कि मुझे रोज़ रात को सोते हुए अपनी एक्नी पर लगाना था. मगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से यानी कि जो मेडिसिन थी और जो ये लोशन था इनमें से किसी की भी जो है वो आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगी कि आप यूज़ करें बिकॉज ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था. तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरी कोई भी चीज़ देख के जो है वो अपनी स्किन के लिए अप्लाई करें बिकॉज आप जो है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें. वो आपको जो भी रिकमेंड करते हैं या करती हैं तो आप वही यूज़ कीजिए. देख लीजिए कि मैं कैसे जो है वो करती हूँ. ये 3 चीज़ें जो कि मेरी स्किन केयर को जो है ना बेहतरीन बनाने में उसने बड़ा किरदार अदा किया. और मेरी स्किन केयर जो है वो बहुत बेसिक सी है लेकिन इससे मुझे बहुत बहुत अमेजिंग से रिजल्ट्स मिले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से. सो डीप क्लीनिंग इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. डीप क्लीनिंग रियली क्लियर्स आउट योर स्किन नॉट फ्रॉम द आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम द इनसाइड. इट रियली मेक्स योर स्किन टू गेट रिड ऑफ ऑल द हार्श केमिकल्स डस्ट पोल्यूशन स्कम फोम ऑफ सोप और हार्मफुल प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ ऑन योर फेस. सो डीप क्लीनिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. आप इस प्रोसेस के लिए कोई भी बड़े माइल्ड से जो है वो क्लिनजर्स भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपका बाहर इतना कुछ खास आना जाना नहीं है, अगर आप घर पर ही रहते हैं या रहती हैं तो आप जो है वो किसी अच्छे डीप क्लीनिंग फेस वॉश से या जो है वो किसी भी अच्छे ब्यूटी बार से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं. सो ये भी ऐसा ही काम करेगा बिल्कुल ज़बरदस्त. मैं जो है वो डव ब्यूटी बार जिसका ओरिजिनल ब्यूटी बार है वो यूज़ करती हूँ एज़ पर माई डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई एंड ओवर सेंसिटिव स्किन और इस वजह से मुझे उन्होंने यही रिकमेंड करा कि अभी आप जो है वो ब्रेक लें, अपनी स्किन पर कुछ भी मत अप्लाई करें, सिर्फ ये जो मैंने लोशन आपको दिया है ये रात को आप अपनी एक्नी पर लगाएं और वैसे आप सिर्फ डव से ही अपना फेस वॉश करें. बिकॉज मैंने भी ये बहुत नोट करा था कि मैंने जितने भी महंगे फेस वॉश यूज़ किए हों जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें इस किस्म की हमेशा हर किसी से मेरी स्किन ड्राई ही रहती थी, कभी भी मॉइस्चराइज नहीं रही. तो इस वजह से मुझे अब डव यूज़ करने के बाद जो है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं. मेरी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है, सॉफ्ट हो जाती है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं. अब अभी इस वक्त मेरे फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ है, लिटरली कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है और मेरी स्किन आपके सामने ही है. अगर आप पहले से मेरी यूट्यूब फैमिली का पहाड़ है तो आपको पता होगा कि मेरी स्किन कैसी थी. तो जी हाँ, येस. सो द सेकेंड स्टेप इज़ टोनर. टोनर आफ्टर डीप क्लीनिंग टोनर इज़ द सेकेंड स्टेप दैट रियली रियली नेसेसरी दैट नॉट ओनली रिफ्रेशेज योर फेस बट ऑल्सो प्रिपेयर इट टू एब्जॉर्ब ऑल द बेनिफिशियल ऑल द अमेजिंग इन्ग्रीडियंट्स प्रेजेंट इन योर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट यू आर गोना यूज़ आफ्टर टोनर. सो इट रियली मेक्स इट मेक्स योर स्किन टू एब्जॉर्ब इट बेटर. तो आप जो है वो टोनर ज़रूर यूज़ करें बिकॉज टोनर जो है वो आपकी स्किन को बहुत हेल्प करता है इसके ओपन और लार्ज पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करने में क्लोज करने में. तो आप
आपको बहुत विजिलेंट रहना है एक अच्छा टोनर सेलेक्ट करने में. आप कोई मार्केट बेस्ड भी टोनर जो है वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा होम मेड टोनर को ही यूज़ करें, बिकॉज इससे आप किसी भी ड्राइनेस, किसी भी इचनेस या किसी भी जो है वो इनकन्वीनियंस से जो है वो बच सकते हैं. तो मेरी एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी भी है जो कि मैं लास्ट में ज़रूर शेयर कर दूँगी, या यहाँ कहीं पर जब आई बटन शेयर कर दूँगी तो आप उस पर भी देख सकते हैं कि मैंने वो रेसिपी कैसे बनाई है. वो रेसिपी मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, कोई 2-4 महीने से नहीं. तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. आप यूज़ कीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो टोनर जो है वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, ज़रूर यूज़ करना है, बिकॉज इट मेक्स योर स्किन टू लुक रियली यूथफुल, रिफ्रेशिंग, टाइट एंड शाइनी एंड ग्लॉसी. So the third and the most important step is moisturizer. Yes, moisturizer is really necessary whether you have dry skin or whether you have oily skin, but moisturizer is the most important third step in your skincare routine because it really really makes your skin look youthful. It really reduces the chances of skin problems. It really ओवरकम द ब्लेमिशेज एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स. और इसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन जो है वो रिंकल्स वगैरह से भी बच जाती है, और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग जो है वो आपकी स्किन को यूथफुल रखता है मॉइस्चराइजर. आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राई स्किन वालों के मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है. जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी अगर ड्राई स्किन है तो भी आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी का, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग जो है वो क्लीन अपना मॉइस्चराइजर या लोशन यूज़ करना है. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने थोड़ा सा वाटर बेस और थोड़ा सा लाइट वेट जो है वो मॉइस्चराइजर या कोई भी लोशन जो है वो अच्छी ब्रांड का जो है वो किसी अच्छी ब्रांड से मुराद मेरी बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव सी है. आप कोई लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो, बट जो आपकी स्किन को सूट करती हो बहुत अच्छी, ठीक है. तो आपने मस्ट यूज़ करना है कि अच्छे मॉइस्चराइजर यूज़ करने से आपकी स्किन जो है वो रिंकल फ्री रह सकती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो यूथफुल दिख सकती है. तो ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने हैं. तो मैं अपनी सारी टिप्स जो है वो रिवाइज कर देती हूँ. टिप नंबर 1 इज़ हेल्दी डाइट, टिप नंबर 2 इज़ वाटर इनटेक अप टू 2 लीटर और 2.5 लीटर, थर्ड स्टेप इज़ डीप क्लीनिंग, फोर्थ वन इज़ टोनिंग एंड फिफ्थ वन इज़ मॉइस्चराइजिंग. तो ये मेरी स्किन केयर जर्नी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है. इसमें कोई To be very honest, इसमें कोई 1 हफ्ता 15 दिन नहीं लगे, it took time, कुछ महीने लगे, लेकिन अब मेरी स्किन आपके सामने है. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किन नाउ. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर इन बेसिक सी जो है वो रूटीन को फॉलो करके, इन बेसिक से स्किन केयर के 3 स्टेप्स जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ, इनको फॉलो करते हुए अपनी स्किन को भी सेव कर सकते हो, एक्ने फ्री बना सकते हो, ग्लास स्किन बना सकते हो. सो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी ये वीडियो. सो अगर अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो एक थम्स अप, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट नहीं हो, न्यू है मेरे चैनल पर, तो आई वेलकम यू गाइज बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी मैं कुछ छोटी मोटी टिप्स बताती रहती हूँ. सो क्या पता आपकी उससे भी हेल्प आउट हो जाए. तो यस, मुझे देखिएगा दुआओं में याद. चल मैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू गाइज, बाय.